19 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें टू नेक्ड वुमन्स को रोड पर घुमाया जा रहा था और लोगों के द्वारा उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा था। ये वीडियो मणिपुर का था जो कि 19 जुलाई को लोगों के सामने आया, लेकिन असल में यह वीडियो 4 मई का है। दरअसल मणिपुर में पिछले लगभग 90 दिनों से मैती और कुकीट कम्युनिटी के बीच वॉर चल रही है, जिसमें अभी तक टोटल 181 पीपल्स मारे जा चुके हैं। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर वॉर का कारण क्या है। देखिए, मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं और मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन 32 लाख के राउंड है। भाई, इसकी कैपिटल इम्फाल है जो कि मणिपुर की लैंड का 10% हिस्सा है और मणिपुर की जो 57% पॉपुलेशन है वो इम्फाल में रहती है। इम्फाल में मोस्टली मैथई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग हिंदू हैं। बाकी मणिपुर का जो 90% हिस्सा है वो हिल्स से कवर्ड है, जिसमें बाकी के बचे हुए लोग रहते हैं। वैसे तो इस हिस्से में टोटल 33 ट्राइब्स रहती हैं, बट यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग नागा और कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ही ट्राइब्स के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब अगर बात की जाए पावर की, तो मणिपुर में टोटल 60 MLAs हैं, जिनमें से 40 MLAs ऐसे हैं जो मैथई कम्युनिटी के हैं, बाकी बचे हुए 20 वैसे आधे नागा ट्राइब के हैं और आधे कुकी ट्राइब के हैं। अब इससे आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मणिपुर में मैथई कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 371(c) के हिसाब से हिल्स में रहने वाली ट्राइब्स को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं जो कि मैथई कम्युनिटी को नहीं मिले हैं। जैसे मैथई कम्युनिटी के लोग हिल एरियाज में सेटल नहीं हो सकते हैं, वहीं हिल एरियाज में रहने वाले लोग कभी भी कहीं भी लैंड परचेस करके रह सकते हैं। तो मैथई कम्युनिटी का कहना है कि उन्हें भी एसटी की कैटेगरी में रखा जाए, जिससे वो भी हिल एरियाज में जाके सेटल हो सके। अब मैथई ट्राइब यूनियन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने सबसे पहले मैथई कम्युनिटी को एसटी की कैटेगरी में रखने की मांग की थी, इनका कहना है कि 1949 में इंडिया में मणिपुर के जुड़ने से पहले मैथई एक रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब थी, लेकिन इंडिया में जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। मैथई ट्राइब यूनियन ने कहा कि उन्हें अपने ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की जरूरत है, इसलिए उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं कुकी और नागा ट्राइब्स हमेशा ही इनके विरोध में रहे हैं, क्योंकि इन ट्राइब्स का कहना है कि मैथई कम्युनिटी के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पावर्स हैं और पॉलिटिक्स में भी इनकी 40 MLAs हैं। वहीं मैथई कम्युनिटी के लोगों को पहले से ही एससी या ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है, साथ ही इनकी लैंग्वेज को भी 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था, तो इन्हें एसटी का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मणिपुर में वायलेंस कहां से शुरू हुआ। तो दरअसल मणिपुर गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड सर्वे कर रही थी, जिसमें जिन लोगों ने इनलीगल या सरकारी जमीन को कैप्चर किया हुआ था उन्हें हटाया जा रहा था, और इसी सर्वे के चलते 11 अप्रैल को ट्राइबल कॉलोनी में बनी 3 चर्चेस को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिकमेंडेशन प्रेजेंट करने के लिए कहा, और इस रिकमेंडेशन में मैथई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने के लिए कहा गया था, जिसका कुकी और नागा ट्राइब विरोध कर रही थी। अब 28 अप्रैल को एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के सीएम है, ये एक ओपन जिम का उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने 27 अप्रैल को इस जिम में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी, जिसके बाद द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 28 अप्रैल को 8 घंटे शटडाउन का अनाउंसमेंट किया, और इसी वजह से सीएम को अपना प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ा, और 28 अप्रैल को लेट नाइट तक प्रोटेस्टर्स और मणिपुर पुलिस के बीच संघर्ष चलता रहा, और उसी रात कुछ प्रोटेस्टर्स ने तुइवोंग के फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में आग लगा दी। 27 और 28 अप्रैल को जो वायलेंस हुआ था वो मणिपुर पुलिस और कुकी कम्युनिटी के बीच हुआ था। इसके बाद 3 मई को करीब सुबह 9:30 बजे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक आदिवासी एकता मार्च निकाला, और इसमें 60,000 से 80,000 के अराउंड लोग थे। ये मार्च मैथई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। अब इन्हीं लोगों ने इम्फाल में जाकर मैथई कम्युनिटी के घरों को जलाना और तोड़ना शुरू कर दिया, और करीब 7:30 बजे तक इन्होंने काफी सारे मैथई के घरों को जला डाला। अब मैथई भी इसके बाद कहां शांत रहने वाले थे, और करीब 12 बजे के बाद मैथई कम्युनिटी ने कुकी ट्राइब के इलाकों में जाकर उन्हें मारना शुरू कर दिया, लेकिन कुकी ट्राइब के लोग काफी ज्यादा थे इसलिए, और फिर रात वापस आना पड़ा, और फिर रात करीब 3 बजे मैथई ने फिर से अटैक किया, लेकिन इस बार फिर इन्हें भागना पड़ा। अब बात आती है अगले दिन यानी कि 4 मई पर, जहां वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया और मैथई ने सुबह करीब 11 बजे कुकी ट्राइब के इलाकों में फिर अटैक किया, और इन इलाकों में बिफाइनोम विलेज भी शामिल था। अटैक के बाद बिफाइनोम विलेज के 5 लोग वहां से भागते हैं, और इन 5 में से 2 मेल थे और 3 फीमेल थी। अब भाग रहे इन लोगों को पुलिस बचा लेती है, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही मैथई इन्हें पुलिस की गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ दोनों मेल्स को पहले ही मार दिया जाता है। वही तीनों फीमेल्स को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है।
जाता है और ऐसा न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। 18 मई को इन्हीं में से एक लड़की ने रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वहीं ये वीडियो 19 जुलाई को यानी कि लगभग 2 महीने 15 दिन बाद सामने आती है। अभी तक मणिपुर में 181 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 55,000 लोग मणिपुर को छोड़कर जा चुके हैं। इसे जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। वैसे अगर इंडियन मीडिया अपना काम सही से करती तो सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती।